शायर साहब जब कोई शेर कहते ना तो कहते बेटा लिख ले अपनी कापी में 10,000 का या लाख का है, साथ साथ नोट करता गया। एक दिन घर वालों ने कहा यार बाजार से सौदा ला, सौदा लेने गया। जब सौदा खरीदा तो कहा उसने कि पैसे दे, इसने एक शेर पढ़ा, उसने कहा यार शेर अपने पास रख पैसे दे। उसने उस साथ से आकर कहा यार तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, वो तो चवली में नहीं लिया, उसने 4 आने देने थे, वो कहता नहीं आपने लिखवाया था 10,000 का लाख का प्राण, मेरे साथ तो बड़ा फरेब किया। उसने कहा बेटा चुप कर। शाही दरबार मुनक़द हुआ, बादशाह ने अपना दरबार लगाया, शायरों को बुलाया, शायर अपने अपने कसीदे लिख कर रह गए बादशाह की तारीफ में। अब उस शायर ने खुद एक कसीदा लिखा बहुत आला, शायर बहुत मरे कुछ हो रहा था, और नाम उस बच्चे का ना उसमें ले और उसको दे दिया, याद करा दिया कि तुम भी उस वहाँ पढ़। जब शायरों के सीधे पढ़े और उस बच्चे ने पढ़ा तो सब ने कहा शायरों ने यार ये सबसे बढ़ गया, ऐसा उमदा कसीदा कोई नहीं लिख सका। और बादशाह ने उसको लाखों दीनार दिए, खिलत दिए, सूट दिए, बड़ा इकराम हुआ। शायर ने उस उस्ताद ने कहा बेटा आज पता चला, कदर करने वाले ने कदर करनी, उस सब्दी फरोज को क्या पता था शेर क्या होता। तो ये मिसाल है दुनिया वालों के सामने हम सुभान अल्लाह कहें उनके यहाँ क्या कदर, अगर अल्लाह की बारगाह में पता चलेगा कि जिस लम्हा में तुमने अल्लाह को याद किया था कारम तो लम्हा वही था, बाकी सब जाय थे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ये सूरा मोमिनून की आयत है जो हम पढ़ रहे हैं दिनों, जिसमें कहा वल्लज़ीना हुम अन लगवे मोरिदून, कि मोमिन जो है ना जिन्होंने कामयाबी हासिल करनी वो बेहुदा फजूल और लायानी काम की तरफ ध्यान ही नहीं, उनके पास ना फजूल बातों के लिए वक्त है ना फजूल कामों के लिए, या कोई दुनिया का भी अच्छा काम करो जिसका अच्छा को नतीजा, मुफीद नतीजा जिससे निकले वो चीज़ें दीन में जायज, जिनसे कोई बुरा निकले या सिरे से निकले ही कुछ ना वक्त ही जाए हो वो लघव हैं। अल्लाह ताला का कहना है कि इन लघव बातों की तरफ ध्यान ना करो। और लघव का एक और माना भी है जो कुरान पाक में आया जो मुझे और आपको याद रखना चाहिए, ये जो ना 28 मौलवियों के फतवे और अब इंटरनेट पर भी मौलवी आ गई है फलां अल्लाह के पैगंबरों ने भुगता, हम क्या उनकी खाके पावी नहीं। नबी ये मजनून है, ये दीवाना है, ये कज़्ज़ाब है, ये सर जो गाली दे सकते थे। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह अपने रसूलों से कहा कि मेरे पैगंबर नेक लोग हैं, वज़ा सामने लघव वो सुनते हैं कि लोग गालियाँ दे रहे हैं बुरा कह रहे हैं मगर वो ना कान बंद करके गुजर जाते, उन्होंने कभी उसको नहीं नोटिस ही नहीं लिया कि ये लोग क्या कर। अरे इन लोगों का मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी कोशिश की उन्होंने कि आप हमारे सवालों का जवाब दें रद्द लिखें, उन्होंने कहा यही तो तुम चाहते हो कि ज़िंदगी थोड़ी है कुछ काम करूं, तुम चाहते हो काम छोड़ कर ना ये लिखे हम रद्द लिखें फिर हम रद्द लिखें, तुम्हारा तो कारोबार ही है कि ना कुछ करना ना करने देना, तुम मेरी बात अगर समझना चाहते कोई है सवाल मैं उसको हल कर दूंगा उसके बाद भी ना बाद आना, तो मैं फिर ये जिस तरह कपड़ा जो ना उलझ जाए कांटों में तो ना वो उससे निकल सके, तो यही है कि टुकड़ा फाड़ कर दे दो कांटे को वो उसको लेकर बैठा रहा है अपनी राह ना खोटी करो। इन मुनाजरा बाजों से उलझने से अल्लाह ने अपने नबियों को रोक दिया, ये समझना नहीं चाहते सिर्फ चाहते हैं कि आप भी इसमें उलझ करना वक्त ज़ाया कर दें। अल्लाह ताला ने यही कहा कि अल्लाह पाक के जो नेक बंदे हैं वो जब वायजा मर्रू बिल लगवे मर्रू किरामा, लोगों ने गालियाँ दे रहे होते हैं बड़ा भला सवाल एतराज़ वो शरीफ आदमियों की तरह आप पास से गुजर जाते हैं कोई तवज्जो नहीं करते कि क्या कह रहे हैं कि क्या बातें हैं, कुछ फ़ायदा नहीं इनसे उलझने का, इनको अल्लाह के हवाले करो अल्लाह खुद निपटेगा। तो ज़िंदगी की कदर और कीमत मेरे भाई समझ में आ जाना कि जो सांस गुजर रहा है ये वापस नहीं मिलेगा, जो करना जल्दी कर लो वरना बाद में पछतावा ही होगा। कुरान मजीद जो है ना बताता है इसी सूरह अल मोमिन आगे जाकर कि जब जान कब्ज़ करते हैं फरिश्ते तो उस वक्त इंसान चीखता है फरियाद करता है रब्बे रजऊन कि अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेजा मैं नेकियाँ करूँ, अल्लाह कहता है अब तो मौका इतना वक्त दिया था ज़ाया कर दिया अब ये बात किसने सुननी, कोई जरी बात पर ध्यान नहीं होगा अब नतीजा ही भुगतना है, वक्त गुजर गया। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे और आरिफ